नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपको टुडेज के हमारे न्यूज़ कार्यक्रम में। ब्रेक के बाद मैं कुमार अभिषेक फिर से हाजिर हूँ एक बेहद ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ को लेकर। दरअसल सनी देओल के जीत में चुनाव आयोग ने एक अहम रोल निभाया था जी, और ये जानने के बाद आप भी सरप्राइज हो जाएंगे। जी हाँ, सनी देओल को गुरदासपुर फतेह किए हुए लगभग 2 सप्ताह हो गए हैं, पर कांग्रेस को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उन्हें हार कैसे मिल गई। जबकि पंजाब में मोदी से ज़्यादा अमरिंदर सिंह का जादू चला था और वो जादू कहीं ना कहीं बरकरार है, लेकिन और आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। दरअसल सनी देओल की जीत में जितना योगदान मोदी शाह सहित पूरी भाजपा टीम का है, उतना ही सनी और उनके पिता धर्मेंद्र का भी है। और जैसा कि हमने पहले भी बताया है, इसमें चुनाव आयोग का भी कम योगदान नहीं है। जी हाँ, चुनाव आयोग ने भी सनी देओल को अपनी लोकप्रियता भुनाने में खूब मदद की है। वैसे आपको बता दें कि सनी देओल का असली नाम अजय सिंह धर्मेंद्र देओल है, और ऐसे में भाजपा पूरी तरीके से चिंतित थी कि जनता उन्हें सनी देओल के नाम से जानती है। अगर ऐसे में वोटर जब वोट करने पहुंचेंगे तो वो सनी देओल का नाम खोजेंगे जो उन्हें नज़र नहीं आएगा। इस वजह से कुछ वोटों का नुकसान भी होना निश्चित था, इसलिए पार्टी चुनाव आयोग से गुहार लगाई कि ईवीएम पर उनका नाम अजय सिंह की जगह सनी देओल लिख करके आए। फिर क्या था, चुनाव आयोग ने भी शेक्सपियर का मशहूर डायलॉग को याद कर लिया कि नाम में क्या रखा है, और इसके बाद क्या था, सनी पाजी ने इसमें भी बाजी मार ली। उन्होंने जो मांग की थी उसे चुनाव आयोग ने पूरा कर दिया था। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग को गुरदासपुर के सांसद अजय सिंह धर्मेंद्र देओल का फिल्मी नाम सनी देओल पसंद आया। आयोग ने भाजपा के सांसद का नाम अजय सिंह धर्मेंद्र देओल की बजाय सनी देओल प्रकाशित कर दिया, जबकि 29 अप्रैल 2019 को भरे हुए चुनावी हलफनामे के वक्त सनी देओल ने खुद का असली नाम लिखा था। और वहीं मुंबई के अंधेरी पश्चिम विधानसभा की मतदाता सूची में सनी का नाम बतौर वोटर अजय सिंह धर्मेंद्र देओल ही है। बता दें कि उनके पैन कार्ड में भी यही नाम है, और साथ ही चुनाव के वक्त दिए गए हलफनामे पर उन्होंने अजय सिंह देओल के नाम से ही हस्ताक्षर किया था। वैसे यह चुनाव आयोग या फिर भाजपा की कोई चाल नहीं थी। बता दें कि निर्वाचन संचालन नियम 1961 के नियम संख्या 8(2) के तहत रिटर्निंग ऑफिसर को नाम बदलने का अधिकार है, और इसी नियम के तहत अजय सिंह देओल और भाजपा की मांग पर गुरदासपुर लोकसभा सीट के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उम्मीदवार की फाइल सूची में उनका नाम बदल करके सचिव सनी देओल कर दिया गया था। खैर जो भी हो, पर चुनाव आयोग का यह निर्णय सनी देओल के लिए संजीवनी बन गया और वो चुनाव में सनी देओल आसानी से जीत हासिल कर सके। तो सनी देओल के जीत में चुनाव आयोग का किस तरीके से एक बहुत बड़ा अहम रोल था, ये हमने आपको बताया। हम फिर से हाजिर होंगे ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ को लेकर के। देखते रहें टुडेज न्यूज़ चैनल, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने कमेंट्स भी शेयर करें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज़।